24 और 25 फरवरी की रात को दक्षिण कश्मीर के तुरीगाम कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में भिवानी के गांव मिट्टी निवासी हवलदार सोमवीर कादियान शहीद हो गए थे। शहीद सोमवीर के परिजनों को सांत्वना देने खुद सूबे के मुखिया मनोहर लाल उनके पैतृक गांव पहुंचे। सीएम या हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। उनके साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और सांसद धर्मवीर सिंह भी साथ में पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले शहीद सोमवीर की पत्नी सुमन से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। साथ ही सीएम ने उनको योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। और इसके बाद सीएम और वित्त मंत्री शहीद सोमवीर कादियान के भाइयों से मिले और सोमवीर की याद में कोई स्मारक बनाने पर विचार किया। मीडिया से मुखातिब हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सैनिकों के जाने पर कष्ट होता है, लेकिन यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शहादत से दूसरे सैनिकों को प्रेरणा मिलती है। देखिए, वीर शहीद सोमवीर, इनकी शहादत पर हमको गर्व है। देश के शहीदों पर हम नाज करते हैं, उनके जाने का कष्ट जरूर है हमको, लेकिन इन शहीदों की प्रेरणा से ही हमारे जवानों में एक स्फूर्ति आती है। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे प्रदेश के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी प्रदेश की जनसंख्या भले हमारी 2% है, लेकिन 10% से ऊपर भागीदारी डिफेंस फोर्सेज में हमारी है। हमें गर्व है। शहीद के परिवार को मैंने सांत्वना दी है और इस परिवार की जैसे हमने योजना बनाई हुई है, एक नौकरी और 50 लाख रुपया वो इस परिवार को दिया जाएगा। इनकी पत्नी एमए पास है, तो निश्चित रूप से उनकी एजुकेशन के हिसाब से इनको नौकरी दी जाएगी। सर, मान भी की हुई है कुछ गांव के विकास के लिए और उनके नाम पर पार्क और स्कूल में नौकरी लगाना। हाँ, जो भी आवश्यक इस गांव के लोगों को लगता है उसके बारे में हम विचार करके और निश्चित रूप से इस शहीद के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से कुछ ना कुछ जरूर बनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि देश की रक्षा सुरक्षा को हमारा सबका दायित्व है, मिलकर के ही हमको चिंता करनी चाहिए और इस प्रकार की राजनीति कम से कम सेना के काम में, देश की सुरक्षा के कोई भी जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके अंदर किसी प्रकार का राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं विपक्ष से भी अपील करता हूं। Thank you.